यहाँ से हम लोग फाइनल मिलने वाले हैं। वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो काफ़ी दिनों से हमारा जो कोई अपडेट अभी नहीं आ रहा था गाइज, पर आज का इस वीडियो को हम लेके जा रहे हैं। हम अभी राजेंद्र नगर पुल पे हैं और यहाँ से हम लोग अभी खजांची रोड का अपडेट लेने जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया है खजांची रोड का जो अपडेट नहीं लिए हैं। और वहाँ का कैसा व्यू है अब हम लोग इस वीडियो के द्वारा देखेंगे। और गाइज हम लोग अभी दिनकर चौक गोलंबर पहुंच चुके हैं और ये हमारा दिनकर चौक गोलंबर है। और दिनकर चौक गोलंबर से आपको इस तरह से टर्न ले लेना है खजांची रोड के लिए। यहाँ से हमको टर्न लेना है, टर्न हम लोग ऐसे लेंगे तो फाइन कर देगा, इसलिए हमें घुमा के लेना पड़ेगा। यहाँ से हम लोग घुमाएंगे और सीधे हम लोग को खजांची रोड की तरफ चल जाएंगे। यहाँ जब भी आइएगा तो ट्रैफिक काफ़ी खतरनाक वाला मिल जाएगा आपको। ये हमारा खजांची रोड है, देख लीजिए बोर्ड उड रोड। और यहाँ से हम लोग करेंगे जैसे ही आपको जो है चारों तरफ से किताब कॉपी की दुकानें देखना शुरू हो जाएगी गाइस। और जहाँ भी देखें दोनों साइड में जो है आपको कॉपी किताब की दुकानें ही दिखने वाली है। ये साइड से देखें चाहे ये साइड से देखें, दोनों साइड में लेफ्ट या राइट साइड में कहीं से भी आप देखेंगे तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, रेट का ज़्यादा डिफरेंस किसी भी शॉप में यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक में हाई बहुत है एक में लो बहुत है, वैसा आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। और काफ़ी दूर तक है तो इसलिए हम लोग जो है कवर करेंगे इसको बाइक से ही, तो काफ़ी लंबा दूर तक ये जो है शॉप यहाँ मिल जाती है। और आपको जहाँ भी देखे तो कॉपी किताब से रिलेटेड चीज़ें मिलेगी। अगर मान लें कि कोई खुदरा किताब चाहिए तो हम अभी जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा गाइस। एनसीईआरटी का बुक है भाई, सिक्स क्लास और सेवन क्लास का, सिक्स सेवन का एसएसटी पूरा, एसएसटी पूरा ना दे रहा। हाँ हिंदी में इंग्लिश में क्या? हिंदी हिंदी। ये कितना हुआ ऐड करो? हो गया पूरा। ऐड करो ना, ऐड कम से कम सही पता चल रहा। हम ये बता रहे हैं हमको जो मिलता है ना जीरो किताब को छाप करके नाम लिख करके कितना का पता है सर? अगर कलर वाला लीजिएगा तो 170 आ जाएगा। और जैसा कि फाइनली हम लोग आ रहा जो है सामान ले लिएगा, जब यहाँ से थोड़ा सा आपको जो है पूरा ओवरव्यू दिखा देते हैं कि खजांची रोड कहाँ तक लंबा है गाइस। तो और भी आगे चलते हैं थोड़ा सा और दिखाते हैं, क्योंकि जब तक आप पूरा नहीं देख लेते हैं तब तक आपको मज़ा नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे हर चीज़ें आराम से मिल सकते हैं। तो वो जो सोफे दिख रही थी बगल अगल में वो सारे खुदरा है, तो आप वहाँ पे कोई भी कुछ लेना चाहेंगे तो आप आसानी से ले पाएंगे गाइस। और हम और भी आगे की ओर चल रहे हैं, तो जैसे जैसे आप इधर की ओर जाएंगे अशोक राजपथ की तरफ तो इधर साइड में आपको थोड़ा सा कम शॉप मिलने वाले हैं। और हम लोग ये है यहाँ से जो सामने रोड है वो अशोक राजपथ हो जाता है
तो हम लोग वहाँ तक नहीं जाएंगे, हम लोग सिर्फ खजांची रूप ही इस बार कवर करने जा रहे हैं गाइस। तो यहीं से हम लोग फाइनली मुड़ने वाले हैं खजांची रोड। तो पिछले बार साल का जो वीडियो था गाइस, उसमें आपने देखा था कि हमने जो एक्सप्लोर किए थे बहुत सारे शॉप में जाकर, पर इस बार का जो विजिट है नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम इस बार सिर्फ और सिर्फ नॉर्मली जो है आपको अपडेट करने वाले हैं। तो इस तरह से अगर आप यहाँ पे आएंगे तो इस तरह से किसी भी शॉप में आप आसानी से विजिट कर सकते हैं और आसानी से अपना बुक वगैरह ले सकते हैं गाइस। तो फाइनली हम लोग का यहाँ पे शॉपिंग कंप्लीट होने वाला हो गया है और हमने जो सामान लेना था वो ले लिए। यही है खजांची रोड, जिसका पूरे बिहार में जो है नाम है और चर्चा भी है। और इस तरह से जो है आप देखें आते जाते दोनों साइड से, तो इस तरह से जो है आपको देखने के लिए गाइस मिल जाएगा। तो कैसा लग रहा है ये वीडियो आपको? अपडेट नहीं कर सकते हैं भैया, जैसा ही रहता है। कैसा लग रहा है आपका वीडियो हमारा, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको प्रॉपर किसी शॉप का वीडियो चाहिए वो भी कमेंट्स में करेंगे तो फिर मैं आपको प्रॉपरली बना दूंगा। और फिलहाल इस तरह से यहाँ पर जाम की समस्या काफ़ी भयानक लगती है। जब भी आप यहाँ पे आ रहे हैं गाइस तो जाम से थोड़ा सा सामना करना पड़ सकता है आपको, बाकी नॉर्मल है। तो चलिए, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताइए। फिर मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में, एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।